वेलकम टू माय चैनल एनालॉग डिजिटल डिजाइन। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ डायोड से नैंड गेट हम कैसे बनाते हैं, तो उसकी थ्योरी और कैसे वही ये वर्क करता है हम ये सब समझेंगे इसमें। तो पहले सर्किट पे डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा सर्किट है, इसमें आप जैसे कि आप जानते होंगे ये डायोड है और ये ट्रांजिस्टर है और ये रेजिस्टेंस है। तो इसमें हमने VCC सप्लाई और ये ग्राउंड है और ये इसकी ट्रुथ टेबल है। इसमें जैसे ही जैसे हम इनपुट अप्लाई करेंगे तो ये कैसे कैसे काम करेगा, तो आइए देखते हैं। तो ये हमारे इनपुट है। जैसे कि इसमें ये VCC और ये ग्राउंड, इनपुट का क्या मतलब होता है, इनपुट का मतलब VCC या ग्राउंड। तो अगर हम 0 0 यानी कि ग्राउंड पॉइंट पे ये रखेंगे ये पॉइंट, तो क्या क्या होगा, तो 0 0 तो ये जो डायोड होगा वो करंट ऐसे फ्लो होगी VCC, और ये करंट ऐसे फ्लो होगी और ऐसे फ्लो होगी अगर दोनों VCC दोनों पॉइंट ग्राउंड पर है ऐसे। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो कितनी होगी, वहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो 0.7 वोल्ट मिलेगी, जो इसकी ड्रॉपिंग वोल्टेज होगी दोनों की, दोनों डायोड, क्योंकि दोनों ग्राउंड होगी, दोनों 0 0 है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों पैरेलल में आ गई है, तो पैरेलल में आ गई, पैरेलल में क्या होता है, दोनों की वोल्टेज सेम होती है, चाहे यहाँ पर आप पैरेलल में कितने भी डायोड लगा दो, उनकी जो ड्रॉपिंग वोल्टेज होगी या ऑन वोल्टेज होगी वो 0.7 वोल्ट होगी। तो यहाँ पर हमें 0.7 वोल्ट मिल रही है, बन रही है वोल्टेज। तो उस कंडीशन में ये डायोड क्या होगा, ये डायोड ऑन हो सकता था लेकिन ये ऑन नहीं होगा, 0.7 वोल्ट में ये डायोड ऑन हो सकता था पर ये ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक डायोड और इसकी सीरीज में आ गया। आप जानते हो कि ट्रांजिस्टर के अंदर डायोड होता है और ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट की जरूरत होती है। तो ये डायोड, अब दोनों डायोड, ये दोनों डायोड सीरीज में आ गई है, ये भी और ये, तो क्या होगा, ये 0.7 और ये 0.7 1.4 वोल्ट बन गया है। तो इस डायोड को, इस सर्किट को ऑन होने के लिए, इसमें करंट फ्लो होने के लिए 1.4 वोल्ट की जरूरत होगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये डायोड जो 0 0 पॉइंट यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर 0.7 वोल्ट ही मिल पा रही है। तो ये सर्किट जो ऑफ होगा, ये सर्किट ऑन नहीं होने का ट्रांजिस्टर। तो जब ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, तो क्या होगा, ये हमारे आउटपुट मिलेगी VCC यहाँ पर मिलेगी, जो भी हम यहाँ पर LED या आउटपुट में जो भी लगाएंगे वो ऑन होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो करंट यहाँ पर फ्लो होगी और जो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगी और उस जो रेजिस्टेंस में ड्रॉप वोल्टेज होगी वो माइनस करके हमें यहाँ पर वो वोल्टेज मिलेगी, तो आउटपुट वोल्टेज हमारी हाई होगी। तो इस उसमें अब हमारी VCC टोटल यहाँ पर आ रही है, तो इस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज हमारी हाई है, तो 0 0 अप्लाई किया तो आउटपुट वोल्टेज हाई होगी। अब हम करते हैं 1 0 अप्लाई, 1 0 यहाँ पर 1, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है, मैंने ये दिखा रखा है, ये वाला पॉइंट इसको VCC से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 0, तो क्या होगा, ये 1 का मतलब VCC, तो ये डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया, यहाँ पर ज्यादा वोल्टेज होगी, यहाँ पर VCC आएगी, लेकिन ये VCC बराबर होगी, और यहाँ पर क्या होगा, तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, तो वो VCC, जब ये डायोड यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो वो जो वोल्टेज है इसके थ्रू ग्राउंड हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें 0.7 वोल्ट ही मिलेगा, फाइनली रिजल्ट हमारा 0.7 वोल्ट ही यहाँ पर होगा। तो ये तो रिवर्स बायस में हो गया, ये तो काम नहीं करेगा, ये काम करेगा, इसमें करंट फ्लो होगी यहाँ पर, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे है, तो इसमें करंट फ्लो होगी, यहाँ पर फिर 0.7 वोल्ट मिलेगा, फिर वही कंडीशन हमारी यहाँ पर रहेगी, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होने का। तो क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट फिर 1 0 पे, अगर हम 1 0 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट हमारी 1 होगी, यहाँ पर फिर आउटपुट हाई होगी। अब हम करते हैं 0 1 अप्लाई, 0 1 का मतलब ये 0, सॉरी ये 1 और ये 0, इसको हमने यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको ना कनेक्ट करके यहाँ पर, तो ये ग्राउंड हो गया, तो सेम वही कंडीशन फिर बन गई। अब ये डायोड ऑन होगा लेकिन ये रिवर्स बायस में होगा, ये ऑफ कंडीशन में होगा, ये ऑफ कंडीशन में होगा और ये ऑन हो जाएगा, सेम कंडीशन वही होगी जो 1 0 पे हो थी, तो फिर 0.7 वोल्टेज यहाँ पर हमें मिलेगी, तो 0.7 वोल्ट इसको इनफ नहीं है ऑन करने के लिए, फिर ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा,
और हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। अब हम करते हैं वन वन अप्लाई। वन वन अप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या होगा, यहाँ वन यहाँ वन, यहाँ वीसीसी यहाँ वीसीसी, दोनों को वीसीसी से कनेक्ट कर दिया, इसको भी और इसको भी, तो क्या होगा वीसीसी वीसीसी, तो ये वीसीसी दोनों तरफ सेम वोल्टेज होगी, तो यहाँ पर ये दोनों डायोड रिवर्स बायस में हो जाएंगे, तो ये डायोड ऑन नहीं होंगे, तो यहाँ पर वोल्टेज आएगी जब वीसीसी लगभग जो ड्रॉपिंग वोल्टेज होगा या जो भी वोल्टेज आएगी यहाँ पर वीसीसी माइनस ये ड्रॉपिंग, और वो वोल्टेज इनफ होगी इसको ऑन करने के लिए, 1.4 वोल्ट से ज़्यादा ही होगी ये वोल्टेज, 1.4 वोल्ट से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमारा कितना भी हो लेकिन वीसीसी और इसको ऑन करने के लिए इनफ है, क्योंकि ये वोल्टेज यहाँ पर ऑन होगा, ये वोल्टेज यहाँ पर ऑन कर देगा। अगर 1.4 वोल्ट से ये ज़्यादा है वीसीसी तो ये इसको तुरंत ऑन कर देगा ट्रांजिस्टर को, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल आ गया, ये लेवल उठकर यहाँ पर आ जाता है, आपको ये पता होगा जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो ये यहाँ पर करंट फ्लो होगी, जब करंट फ्लो होगी तो ये ग्राउंड हो जाएगा पूरा पॉइंट, ये लगभग ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन इसकी कोई ड्रॉपिंग वोल्टेज होती है जो 0.2 वोल्ट होती है उसको हम कंसिडर नहीं करते, जो वीसीसी सॉरी कलेक्टर मीटर वोल्टेज होती है जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है, तो 0.1 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होती है, यहाँ पर वो शो करता है, तो उसको जनरली हम कंसिडर नहीं करते, तो ये ट्रांजिस्टर जो यहाँ पर ग्राउंड हो गया तो आउटपुट हमारी लो होगी, तो जैसे कि इसमें दिखाया गया 1 1 पे ये हमारी 0 वोल्ट आउटपुट हमारी 0 मिलेगी। तो ये सेम सर्किट है जैसे कि आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि नैंड गेट की टेबल क्या होती है और कैसी इसकी आउटपुट होती है, तो नैंड गेट जो होता है वो जब हम 0 0 करेंगे आउटपुट हाई होगी, जस्ट एंड गेट का रिवर्स होता है, तो ये सेम सर्किट, ये सर्किट इसमें इंक्लूड होता है सेम ऐसा ही, इसको हम ब्लॉक की हेल्प से दिखा देते हैं, लेकिन अगर हम सर्किट पे जाए तो वो सर्किट ये बनेगा। तो दोस्तों ये था एंड गेट का फंक्शन, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।